हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग विथ डायग्राम डीएनए का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। वैसे मैं बता दूँ, कॉलेज लेवल में डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, ये सारी चीज़ें 11th 12th में है। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, तो अगर आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं समझे होंगे तो फिर वो टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को डीएनए आरएनए के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अच्छे से बता देती हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपके जेनेटिक्स में वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगे। क्लियर हुआ गाइस? ये हमारा लायन बैच है, इस बैच के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री हैं। यूट्यूब पर आप लायन बैच के नाम से, नॉलेज अड्डा के नाम से किसी भी टॉपिक को अगर आप सर्च करते हो जेनेटिक्स के या फिर बीएससी जूलॉजी के 11th 12th के, तो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बहुत सारे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर भी जाकर के आप लोग सारे टॉपिक्स लाइन से देख सकते हो। इसका मैंने बहुत अच्छा नोट्स बनाया हुआ है, बीच बीच में मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी, बट अगर आप लोग इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के भी आप अगर अवेलेबल होंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग बहुत इजी सा टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ चीजें दिखाई दे रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो रहे हैं, बट इसे समझाने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को डीएनए के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग इनके जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए, सबसे मन में पहला सवाल आता है कि डीएनए आखिर होता क्या है। तो डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। जो भी अनुवांशिक सूचनाएं हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का कार्य करती हैं। मतलब जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए के द्वारा ही क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो केंद्रक होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। तो देखो, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को मैंने बता दिया था जो भी इनके बेसिक सी बातें हैं वो। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है ना गाइस, तो क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, डीएनए क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है। डीएनए का सबसे, अगर हम लोग सबसे फर्स्ट यूनिट की बात करें, मतलब उसकी सबसे छोटी इकाई की बात करें, तो वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखो, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, वो श्रृंखला में बने होते हैं और श्रृंखला में चैन की तरह बन बन करके वो एक डीएनए का निर्माण करते हैं। फिर से बता रही हूँ, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड की चैन होती है, वही चैन डीएनए कहलाता है। मतलब ये मान के चलिए कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं, है ना। तो आगे मैं आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर तो दिखाऊंगी ही, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए की सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए हम लोग आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसको अच्छे से समझ जाते हैं। अगर आप लोग न्यूक्लियोटाइड को अच्छे से समझ गए तभी आप लोगों को आगे डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो पूरा, आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस स्ट्रक्चर का आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। तो न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन बेसिक चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला होता है नाइट्रोजेनस बेस, है ना। दूसरे नंबर का होता है डीऑक्सीराइबोस, जिसको हम लोग सुगर कहते हैं, और थर्ड नंबर का होता है फॉस्फेट ग्रुप। चलिए मैं आप लोगों को इसे डायग्राम में बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुगर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस। तो ये आपका डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर है, इसी से अटैच रहता है नाइट्रोजिनस बेस। सबसे पहला तो ये हो गया, सेकंड नंबर में हो गया आपका नाइट्रोजिनस बेस, मतलब जो ग्रीन कलर का जो पूरा शो हो रहा है ना वो क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है। तो जो भी इसका स्ट्रक्चर वगैरह है वो आप लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। थर्ड नंबर में ये आपका पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये मान के चलिए कि ये तीनों ग्रुप मिल करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये जो संपूर्ण स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब चलिए एक और वर्ड आप लोगों
लोगों को आगे सुनने को मिलेगा जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये कट गया है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें यहाँ से, तो बाकी ये जो सुगर और नाइट्रोजिनस बेस जो दो बचा है उसी को हम लोग दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो फर्क समझ में आया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और न्यूक्लियोसाइड किसको बोलेंगे, अगर ये फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से हटा दिया जाए तो केवल सुगर और नाइट्रोजिनस जो बेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। आया इतना कहीं समझ में। तो हम लोग पूरे इस टॉपिक में क्या समझे कि जो डीएनए होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, चैन होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। और डीएनए न्यूक्लियोटाइड में तीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, डीऑक्सीराइबो सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी किसके बारे में, नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस के बारे में वो थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए में और इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से जानना जरूरी है। तो चलिए इसके बाद में आप लोगों को इस नाइट्रोजिनस बेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, देन डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे। मैं आप लोगों को नाइट्रोजिनस बेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। नाइट्रोजिनस बेस तो आप लोग देख ही चुके हो, है ना, अभी तक से। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है प्यूरीन, यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहला होता है प्यूरीन टाइप का और दूसरा होता है पिरिमिडीन टाइप का। यहाँ पर आप जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो वो किसकी स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजिनस बेस के स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है तो ये सारी चीजों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा और इसको आप लोगों को इसका जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखो जो नाइट्रोजिनस बेस है वो मेनली टू टाइप के होते हैं, सबसे पहला प्यूरिन टाइप का, दूसरा होता है आपका पिरिमिडीन। तो देखो प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एडिनिन जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी होता है ग्वानिन जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो एडिनिन का आप लोग इसे यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चर होगा एडिनिन का, और ग्वानिन का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चर होगा ग्वानिन का। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब मैं आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी ना तो ये सारे स्ट्रक्चर उसमें होंगे, तो आप लोग उस टाइम अच्छे से समझ जाओगे। अभी बस आप लोग ये समझो कि प्यूरिन के अंतर्गत दो टाइप के स्ट्रक्चर आएंगे आपके, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन को हम लोग हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्वानिन को हमेशा हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो पिरिमिडीन टाइप के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला है साइटोसिन, साइटोसिन को हम लोग हमेशा सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा है थायमिन जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थायमिन का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है आपका थायमिन का स्ट्रक्चर, और साइटोसिन का स्ट्रक्चर ये जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं बार बार आप लोगों को स्ट्रक्चर बना करके नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एडिनिन का स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, थायमिन का स्ट्रक्चर है, और ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो हमेशा आपके काम आएगा। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस टाइम भी ये सारी चीज आप लोगों के काम आएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। अब चलिए हम लोग आगे चल, तो चलिए फाइनली हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी बेसिक सी बातें जान ली है ना, जितने भी नाइट्रोजनस बेस के जो भी घटक कंपोनेंट है वो सब के बारे में हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अब फाइनली हम लोग आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों सेम ही है गाइज, है ना। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ है और वो थोड़ा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर बता दूंगी, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो मॉडल है डीएनए का, जो मॉडल है वो आखिर किसने दिया हुआ है, कौन कौन से साइंटिस्ट लोगों ने दिया हुआ है। सन 1953 में जेडी वॉटसन और एफएचसी क्रिक ने, दोनों साइंटिस्ट ने ये डीएनए का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके लिए सन 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब अभी तक डीएनए का सबसे अच्छा मॉडल है, और इनके नाम के आधार पर ही इनको वॉटसन क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। डीएनए मॉडल तो हम बोलते ही है, साथ में इसको वॉटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अभी आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ लिया। तो मैंने क्या बताया था कि जो डीएनए होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो देखो यहाँ पर
बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़ जुड़ करके डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो डीएनए जो है होते हैं वो डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं, डबल स्ट्रैंड के होते हैं। मतलब ये मान के चलिए एक तरफ ये फर्स्ट स्ट्रैंड और दूसरी तरफ ये सेकेंड स्ट्रैंड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जुड़ जुड़ करके डीएनए का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो दो चैन है वो मिल करके पूरा डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया था, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर नोट किया होगा तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। और ये जो दोनों नाइट्रोजिनस बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या किए रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। इस चीज को आप हमेशा लिखना कि एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। किसी भी आप डीएनए के किसी भी स्ट्रक्चर को उठा करके देख लो, एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ते हैं और ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं, साइटोसिन के साथ जुड़ते हैं। और ये आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेस से क्या लगा रहता है, ये शुगर आप लोग देख रहे हो ना, ये क्या है, शुगर है, शर्करा। और यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। आया समझ में आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ये वाला क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या है, सुगर, और ये क्या है, नाइट्रोजिनस ग्रुप। और इस तरीके से बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ कर करके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं डीएनए, द्विकुंडलित इनकी संरचना होती है। और इस तरीके से ये क्या है, ये सभी ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन, इस तरीके से क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। ये सुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस है। यही चीज जो मैं आप लोगों को इसमें बताई ना, ये पूरा क्या है, उसको आप सिंप्लिसिटी करके अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना चाहो, देखो यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, जी सी सी जी टी ए ए टी। कहीं भी अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में आप लोग देखते हो जी सी ए टी, तो ये सब क्या है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है और एडिनिन है, इसी चीज को तो शॉर्टकट में लिखा होता है। तो ये सारे डीएनए जो है वो डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर होगा इस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैंने एकदम बेसिक सी बातें बताई डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि डीएनए से रिलेटेड जो टॉपिक है ना वो आप लोग समझ सको। वैसे 11 12th में है, डिटेल में बुक में भी आप लोग देख सकते हो जा करके। और अगर आप लोग सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे का टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को आरएनए का स्ट्रक्चर भी क्लियर कर दूंगी। आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम लोग जो भी हमारे बीएससी में टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।